हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि निर्देशांक ज्यामिति के बारे में। हम बात करेंगे जिसमें हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने शो करेंगे, जहां से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी निर्देशांक ज्यामिति का कोई भी सवाल क्वेश्चंस यदि आपके पेपर में छपता है तो ऑलरेडी उसे आप सॉल्व कर पाएंगे। बहुत ही सिंपल वे में हर एक टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम बात करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी निर्देशांक ज्यामिति में सबसे 60 क्वेश्चंस के रूप में पूछा जाता है कि दो बिंदुओं का निर्देशांक दिया रहेगा और उनके बीच की दूरी पूछा जाता है। बहुत ही सिंपल वे में और बहुत बार पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ठीक है। तो मान लीजिए कि दो बिंदु है, फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम बात करेंगे निर्देशांक ज्योमेट्री का। यानी मान लीजिए कोई बिंदु पी है, यहाँ पर क्वेश्चन केवल मेंशन किया गया है, ठीक है, -6, 7 है, और एक बिंदु क्यू है जिसका निर्देशांक दिया गया है -1, 5, ठीक है, -1, -5। तो इनके बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है? तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला होता है डी बराबर रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला यही है, तो आप लोगों को ऑलरेडी यह फार्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर हम वैल्यू जो माना गया है, मान लीजिए -6 को x1 क्रमबद्ध तरीके से वैल्यू माना जाता है x1 y1 x2 y2। अब वैल्यू मान लेंगे, ठीक है। अब उसके बाद देखिए x2, अब इसी वैल्यू में हम रखेंगे रूट में। अब x2 का वैल्यू क्या है? -1, तो -1 रख लेंगे। x1 का वैल्यू कितना है? -6 है, x1 का वैल्यू -6 है और माइनस फार्मूला में, तो -, प्लस हो जाएगा, ठीक है, का होल स्क्वायर प्लस। y2 का वैल्यू कितना है? -5 है, -y1 का वैल्यू कितना है? 7 है, ठीक है, होल स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा, यहाँ पर कितना होगा? 5 हो जाएगा, तो 5 का होल स्क्वायर प्लस 7, 5, 12, -12 का होल स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका यहाँ से 25 हो जाएगा प्लस 12 पर हवा में 144 हो जाएगा, -, प्लस हो जाएगा, ठीक है। जब इसको आपस में ऐड करेंगे तो 169, यानी इसका वर्गमूल यदि आप निकालेंगे तो 13 वर्ग इकाई आपका आंसर आएगा, ठीक है। दो नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है दो बिंदु, या 5 नंबर में भी पूछा जा सकता है कि दो बिंदु दिया रहेगा और उनके बीच की दूरी आप ज्ञात करिए। और यहाँ से एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है, यहाँ पर देखिए हम मेंशन कर देते हैं कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी दिया रहेगा और किसी दो बिंदुओं में x और y का वैल्यू पूछ देता है। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन तो यह होगा, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है आपके क्वेश्चन पेपर में। जैसे मान लीजिए कि कोई बिंदु 4, 5 दिया है और अदर बिंदु जो दिया गया है 1, y दिया गया है, 1, y, और दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी है यानी कि डी की वैल्यू दे दिया गया है, यानी कि 5 दिया गया है, तो इसी वाई का वैल्यू पूछेगा, ठीक है। इस प्रकार से भी सवाल में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला लगाना है, जिसका जिसका वैल्यू दिया रहेगा उसको रख के केवल पक्षांतर करके वाई का वैल्यू निकालना होगा। तो इसके लिए यही फार्मूला लगेगा, डी बराबर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। देखिए अब इसको फिर क्रमबद्ध तरीके से मानेंगे, x1 y1, इसको x2, इसको y2 मानेंगे, ठीक है। तो d का वैल्यू आपको मिल गया, कितना दिया है? 5 दिया है, 5 रख लेंगे। अब देखिए x2 का वैल्यू कितना दिया गया है? x2 का वैल्यू 1 दिया गया, तो 1 माइनस x1 का वैल्यू कितना दिया गया है? x1 का वैल्यू 4 दिया गया है, तो 4 का स्क्वायर कर देंगे प्लस। y2 का वैल्यू कितना दिया गया? y2 का वैल्यू देखिए y है, y माइनस y, y1, y1 का वैल्यू कितना है? 5 है, 5 का होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब देखिए अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। क्या करेंगे? दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग इसलिए करेंगे ताकि यह करड़ी क्या है? हट जाए, ठीक है, यह जो करड़ी हट जाएगा ऑटोमेटिक। दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो इधर का भी स्क्वायर करेंगे, इधर का भी, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा और इधर से यह करड़ी क्या होगा? हट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 - 4 का होल स्क्वायर प्लस y - 5 का होल स्क्वायर। अब इसको हम क्या करेंगे? सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो 25 हो जाएगा बराबर, देखिए 1 - 4 जाएगा 3, 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 25 इक्वल 3 - 3 = 9 प्लस y - 5 का होल स्क्वायर। तो ये 9 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी 25 में से ये 9 प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि 16 बचेगा, 16 बराबर y माइनस
फाइव का होल स्क्वायर। तो इसको हम क्या कर लिख सकते हैं, फोर का स्क्वायर कर देंगे, फोर का स्क्वायर बराबर वाई माइनस फाइव का स्क्वायर। तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो आपका बचेगा क्या, फोर इक्वल वाई माइनस फाइव। तो देखिए अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि वाई माइनस फाइव बराबर के फोर, तो वाई बराबर क्या होगा, फोर प्लस ई माइनस है तो उधर जाएगा प्लस, यानी कि वाई बराबर क्या आएगा आपका नाइन। वाई का वैल्यू कितना निकल कर आएगा, नाइन। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कि दो बिंदु के बीच से रिलेटेड यदि क्वेश्चन पूछेगा तो इस प्रकार पूछा जाता है, ठीक है, कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी दे दीजिएगा, उसमें से एक्स और वाई का वैल्यू दिया, दो बिंदु के बीच की दूरी दिया है तो उसमें से कोई बिंदु का निर्देशांक जो रहेगा उसका मेन पॉइंट पूछ देगा कि उस वैल्यू का, उस बिंदु का निर्देशांक का जो वैल्यू आएगा कितना आएगा। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी से रिलेटेड यही क्वेश्चन था, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपका यह कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ, पार्ट वन पार्ट टू ऐसे करके हर एक टॉपिक पर बताएंगे ताकि आप लोगों को शॉर्टनेस में वीडियो समझ में आ सके, ठीक है। थैंक यू।